वाले अब तो समझ जाओ भाई, जो ऑस्ट्रेलिया जीती वो लोग हवन करके नहीं आए थे, और ना ही उनके पास 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन वो आपके इंडिया में आपके ही ये स्टेडियम से वो वर्ल्ड कप उड़ा कर लेकर गई भाई। अब तो समझ जाना चाहिए हमें। और ये लोग हवन ववन करके, अरे भाई दो गिलास ज्यादा जूस पी लेता, एनर्जी होता किया था ना, तो अभी क्यों हार गया? फिर आप जाके ये मैच उसके मुंह में घुसेड़िए और पूछिए कि भाई आपका भविष्यवाणी का क्या हुआ, है उसके पास कोई जवाब? जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं अभी तो वो दिखेंगे ही नहीं, छुप कर होंगे, उनका चेहरा जो है बहुत दिन तक नहीं दिखेगा। दिलीप मंडल जी का ट्वीट आ रहा है जो सुधीर कुमार लगता है जो किसी का बिल नहीं निकाल रहा है। बिल्कुल लुका गया है, बिल्कुल लुका गया है, और उसका और माहौल जो हुआ ना, माहौल बनता है किससे? लोग से बनते हैं, तो लोग भी वहाँ गलत लोग पहुँच गए, क्योंकि तो एक इंसान उसमें ऐसा पहुँच गया जो जहाँ हर जगह वो पहुँचता है तो वहाँ असफलता ही हाथ लगता है। शायद आप अंधी को होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं और आपके दर्शकों को भी कि वो व्यक्ति हैं जो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ असफलता हाथ लगती है, वो व्यक्ति है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। मेरे साथ मौजूद हैं ऋषिराज जी। और अभी जो घटना चल रही है और कल हमारा टीम जो हारी है, इंडियन क्रिकेट टीम, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऋषिराज जी हैं जो कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष भी हैं। और 2 दिन पहले एक चल रहा था कि आरक्षण के वजह से जो साउथ अफ्रीका टीम थी वो हारी है, और मैंने कहीं ना कहीं भारतीय टीम आरक्षण नहीं है जिसकी वजह से वो फाइनल में पहुंची, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्रिकेट प्रतिभा की चीज़ है, इसमें जो कुछ मानसिकता के लोग हैं तो इसमें राजनीति के मुद्दा को बनाने की कोशिश के लिए वो ऐसा बात की है कि ये आरक्षण नहीं, आरक्षण अगर होता तो टीम इंडिया नहीं जीतती, तो आज तो टीम इंडिया हार गई, तो फिर इससे वो क्या कहें? उनके पास कोई जवाब है? तो अगर कोई कहे कि आप उस समय कहते थे कि टीम इंडिया जीत रही है, इसमें आरक्षण वाले नहीं है इसलिए जीत रही है, जी तो आज तो टीम इंडिया हार गई, तो इसमें तो आरक्षण वाले नहीं है, तो इसमें तो उनकी कोई भूमिका नहीं है, फिर क्यों हार गई? हालांकि दुख है कि टीम इंडिया हार गई, लेकिन जो ये तुच्छ मानसिकता वाले लोग हैं जिसमें हर चीज़ में आरक्षण घुसना चाहते हैं, उन्हें दिक्कत है कि आरक्षण के बदौलत लोग समानता की जीवन जी पा रहे हैं, उन्हें हर चीज़ से दिक्कत होती है, तो इसलिए हर चीज़ में वो आरक्षण का विरोध करना चाहते हैं, लेकिन ये सटीक चीज़ नहीं है, क्योंकि क्रिकेट जो है प्रतिभा की चीज़ है, और ये काफी दुख हुआ टीम इंडिया हारी। तो समझिए कि जैसे जी न्यूज के पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, और यही बात वो कह रहे थे, नहीं जो टीम इंडिया हारी है वो माने टीम इंडिया जीती है तो आरक्षण नहीं चाहिए इसलिए जीत गई, नहीं तो साउथ अफ्रीका भी हार गई। तो मैं माने एक और सवाल है कि जब ऐसा है तो न्यूजीलैंड कैसे टीम जीती? समझा नहीं आता। जैसे हम बात करें कि आरक्षण के वजह से साउथ अफ्रीका हार गई, तो बिना आरक्षण न्यूजीलैंड में नहीं है, आरक्षण नहीं होती तो वो टीम कैसे हार गई? देखिए, मैं तो पहले ही कह दिया आपको कि खेल जो है उसमें आरक्षण की कोई ये नहीं है, वो तो प्रतिभा की चीज होती है, जिसमें भी जिसकी प्रतिभा है वो खेल सकता है और जीत सकता है। जो लोग आरक्षण की बात इसमें घुसेड़ रहे हैं क्रिकेट में, वो कुछ मानसिकता वाले लोग, ये उचित नहीं है। उसके बाद में देख सकते हैं कि बहुत सारा माने फुटबॉल है, चाहे हॉकी है, बहुत सारे ऐसे उसमें तो आरक्षण नहीं लागू है, फिर भी वो लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं? मेरा अभी भी वही आंसर रहेगा कि ये प्रतिभा की चीज है, और मैं आपको बता दूं कि जो लोग आरक्षण आरक्षण वाले जो कहते हैं, तो जिन जो लोग आरक्षण लेते, मतलब जिन लोगों पर आरोप रहता है कि ये लोग आरक्षण की बदौलत ही आगे जाते हैं, तो हमारे लोग जो है एक से बड़े बड़े कारनामे किए हैं शायद वो कभी भी उनसे ना हो। हेमा दास हो गए, बहुत सारे लोग हो गए। अभी क्रिकेट की बात हो रही है तो बालू नामक एक क्रिकेटर थे, उनके बारे में लोग जान ले, मतलब इतिहास है हम लोगों का, आरक्षण ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हम लोग ने जो जो खिताब हासिल किए हैं, अच्छे अच्छे लोगों की प्रतिमा छोड़ गए। उस समय देख सकते हैं कि वो जब हॉकी टीम इंडिया हारी थी सेमीफाइनल में, तो वंदना कटारिया के घर पर पत्थर फेंका गया था, तो हमारे और लोग जो क्रिकेटर है उन पर क्यों नहीं? देखिए, जो लोग पत्थर फेंके, उनकी मानसिकता जो है वो वैसा ही थी कि
जैसे एक जानवर की होती है, उसके अंदर समझ ना हो कि ये खेल की चीज़ है, जीत हार की चीज़ है, ये अगला अगर हारा है तो जीता भी है, जीतेगा भी, अगर हार रहा है तो पूर्व में भी कभी जीता है, इस तरह का जीत हार तो खेल में होते ही रहता है। और ये उचित नहीं है कि अगर अभी जो लोग हार गए हैं, जिनकी वजह से खुद हम इंडियन हार गए, तो उनके ऊपर भी हम पत्थर फेंके, ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि पहले शुरू में भी इंडियन टीम जो है क्रिकेट बहुत सारे मैचेस जीत कर दिए हैं इंडिया। लगातार हाँ बहुत मैच हम जीते हैं। बिल्कुल, तो ये उचित नहीं है। ये हम लोग की ऐसी मानसिकता नहीं है, जो जिनकी मानसिकता जैसी है वो लोग अपना मानसिकता दर्शा सकते हैं, ऐसा कुछ। आप कह रहे हैं कि जो ये टीम इंडिया है उसमें राजनीति ज्यादा हो रही है, कैसे कर सकते? ये टीम इंडिया के अंदर हो रही है या नहीं, लेकिन बाहर तो एकदम बिल्कुल हो रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए और कैसा वहाँ उस चीज़ को का परिणाम निकलेगा, उस चीज़ का, ये लोकेशन पर ज़्यादा डिपेंड करता है और माहौल पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ, इसमें लोकेशन भी चूज गलत हुआ और माहौल जो हुआ ना, माहौल बनता है किससे, लोग से बनते हैं, तो लोग भी वहाँ गलत लोग पहुँच गए। क्योंकि एक इंसान उसमें ऐसा पहुँच गया जो जहाँ हर जगह वो पहुँचता है तो वहाँ असफलता ही हाथ लगता है। लेती है। शायद आप अंधी को होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ और आपके दर्शकों को भी कि वो व्यक्ति है जो जहाँ पहुँचते हैं वहाँ असफलता हाथ लगती है, वो व्यक्ति है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी कैसे? जी। बिल्कुल, मैं आप कैसे क्या बता दूँ, मैं चंद्रयान 2 के जब लॉन्च हुआ वहाँ पहुँचे, वहाँ भी असफलता हासिल हुई, यहाँ लगातार हमारी टीम जीतते आ रही थी, फाइनल में पहुँची। और देखिए, मैंने पहले बताया कि लोकेशन और माहौल पर डिपेंड करता है हर चीज़ का, क्योंकि उसी अनुसार आदमी ढल जाता है। तो पहले तो मोदी नामक स्टेडियम में उन्होंने ये कराया, ये बिल्कुल ये नहीं था, वो अपना प्रचार प्रसार हर जगह अपना प्रचार प्रसार करवाना चाहते हैं, और वो पहुँच कर वहाँ हंस रहे हैं, हमारी टीम इंडिया खेल रही है, वो टेंशन में, वो हंस रहे हैं, उनको कोई फिक्र ही नहीं है। हंस रहे थे। वही हमको तो लगता है वो देश के लिए पनौती है, इंडियन टीम के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए वो पनौती आदमी है। वो व्यक्ति जब से आया है हमारा देश पिछड़ते जा रहा है हर चीज में, वो करप्शन में है जो है, ज्यादा करप्शन हो गया, बेरोजगारी हो गया, भुखमरी हो गया, हर क्षेत्र में आप जाइए ना, तो उसके आने के बाद से हमारा देश मतलब डाउन 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 होते चला गया। तो इसके बाद में हमें जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनका भी पर्चा निकला था कि माने एकदम इंडिया टीम जो है वो जीत जाएगी। तो उनका तो पर्चा तो बहुत लोगों ने निकाला, उनका शायद जो देश है मनवादी मीडिया जो ये सॉरी मनवादी सरकार जो है, उनके बल पर वो टिके हुए नहीं, तो उनका पर्चा तो कब का कट गया है। तो सब लोग जान गए हैं कि वो पाखंड फैलाता है, वो जीत फैलाता है, और उसका पर्चा वर्चा वैसा कुछ नहीं है, बस ऐसी फालतू में बकते रहता है और भाजपा का प्रचार करते रहता है। भाजपा का प्रचार है, प्रचारक है। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा का प्रचार रहता है। अभी हमारे बिहार में वो आया था, तो जितने भाजपाई नेता थे, वो बाबा है तो बाबा ना उसको रिसीव करेगा, बाबा ना उसको बंदोबस्त करेगा, कहाँ रहेगा कहाँ नहीं, क्योंकि बाबा का ग्रुप का है, लेकिन वो तो बाबा है नहीं, वो तो 12 साल का लड़का है, प्रचारक स्टार प्रचारक है वो भाजपा का। तो भाजपा वाले जितने वो मंत्री को शर्म आनी चाहिए जिसको लोग सेवा करने के लिए बनाया है, क्षेत्र का विकास करने के लिए बनाया है, क्षेत्र की उन्नति हो इसके लिए बनाया है, वो लोग बाबा को ढोंगी को ढोते फिर रहे हैं, उसका ड्राइवर बने फिर रहे हैं। मैं क्या मैंने वो कहूँ, ढूंढ लिया एकदम, बिल्कुल ढोंगी है। बहुत सारा भविष्यवाणी दिया था कि भारत पाकिस्तान मैच जीत जाएगा और हुआ भी कि भारत पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ तो अभी तो किया था ना, तो अभी क्यों हार गया, फिर आप जाके ये माइक उसके मुंह में घुसेड़िए और पूछिए कि भाई आपका भविष्यवाणी का क्या हुआ है, उसके पास कोई जवाब? जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी तो वो दिखेंगे ही नहीं, छुप कर होंगे, उनका चेहरा जो है बहुत दिन तक नहीं दिखेगा। दिलीप मंडल जी का ट्वीट आ रहा है कि सुधीर कुमार लगता है जैसे कि दूसरा दिन में निकाल दिया गया बिल्कुल है। लुका गया है, बिल्कुल लुका गया है, उसका मैंने शर्म होगा ना तो वहीं रहेगा, जहाँ है जी जहाँ छिपा हुआ है वहीं रहेगा, अगर शर्म होगा, लेकिन बेशर्म होगा तभी वो आएगा सामने और फिर वो जो है कचड़ा फैलाने का काम करेगा। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री सारा तौर पर बिल्कुल फ्रॉड है ये लोग, क्या है कि मल मूत्र खाते हैं। मैं आपको बता दूँ, वो आपको लोगों को खाने के लिए भी करते हैं, लोग तो खाते नहीं है, वो लोग खाते हैं, वो लोग मल मूत्र खा खा करके उनके दिमाग में वैसा ही बुद्धि भर गया है, वैसा ही वो बकते रहते हैं, और जो लोग पागल हैं उनके बहकावे में आकर के उनकी बातों को सुनते हैं। और कुछ विशेष नहीं।
तो इसके बाद में हम देखते हैं कि जो अभी इतना हवन पूजा हो रहा था, शायद उस समय भी हो रहा था सेमीफाइनल में जब इंडिया पहुंची थी, तो उस समय जीत गया था इंडिया। भाई हवन वाले, अब तो समझ जाओ भाई, जो ऑस्ट्रेलिया जीती वो लोग हवन करके नहीं आए थे, और ना ही उनके पास 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन वो आपके इंडिया में आपके ही ये स्टेडियम से वो वर्ल्ड कप उड़ा कर लेकर गई। भाई अब तो समझ जाना चाहिए हमें, और ये लोग हवन ववन करके, अरे भाई 2 गिलास ज्यादा जूस पी लेता, एनर्जी होता है, तो हो सकता था कि कुछ जो है सुधार हो जाए टीम में, लेकिन ये देवी देवताओं के चक्कर में वाकई पूरा देश बर्बाद हुआ है और होता ही रहेगा। ये ढोंग पाखंड छोड़ देना चाहिए, और कैसे हमारी उन्नति हो, कैसे हमारा विकास हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। माने हवन या से होने वाला नहीं है। होने वाला रहता तो हमारा देश तो इंडिया हवन किया ना जी, उससे तो जीतना चाहिए था। उन्होंने तो क्रिकेट मैदान में जाने से पहले, फील्ड पर जाने से पहले 33 करोड़ देवी देवताओं को घुराया ना, पुकारा ना, बुलाया ना। अभी जिस दिन वर्ल्ड कप हो रहा था उस दिन तो महापर्व छठ पर्व था, जो सभी लोग छठ करते थे, उसके घर वाले वो करते हैं, जो प्लेयर हैं, जो इंडिया के जो लोग अंधभक्त हैं, वो लोग सभी लोग जो है वो करते हैं, वो करके गए थे वहां, तो कम से कम उनको तो जीतना चाहिए था। वो लोग तो बिना छठ किए, बिना 33 करोड़ देवी देवता को पूजे हुए आए और जीत कर चले गए। मतलब कि यहाँ पर उनको माने खिलाया जा रहा है और सर्विस कहीं और दे रहे हैं। बात तो वही है, या इस बात से तो यही समझा जाए कि यहाँ जो है 32 कलशा के थी अर्घ दे रहा है लोग, 50 कलशा के अर्घ दे रहा है। कलशा मतलब वही होता है, आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि एक कलशा में जो है सूप उप होता है, उसमें पूरा फल से सामग्री से भरता है लोग, सोचिए तो मतलब इतना वैरायटी ले रहे हैं भगवान हमारे, ठेकुआ पुआ टोटल फल लेते हैं, समझ जाइए, घाघल अमरूद सेब केला ऊख फलान टेकन हर चीजें लेते हैं, और लेते हैं यहाँ सर्विस दे दिए ऑस्ट्रेलिया को। क्या अभी तो समझ जाना चाहिए लोगों को। एक आरके रानी का भी रहा है कि ये लोग दूसरे ग्रह के प्राणी हैं, क्योंकि यज्ञ हवन ये करते हैं जीता ऑस्ट्रेलिया जाता है, लक्ष्मी पूजा ये लोग करते हैं और पैसा अमेरिका के पास है, दुबई सऊदी अरब के पास है, विश्वकर्मा पूजा ये लोग करते हैं, तकनीकी में चाइना जापान फ्रांस जर्मनी सबसे आगे। सही कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आप देख लीजिए, मिला लीजिए, अभी मिला लीजिए, अभी तो आपके आपके सामने हुआ ना, आप हर चीज हर हर देवी देवता को पूजने में आगे हैं, लेकिन वो विकास में उन्नति में अगला देश आगे है, तो सही लिख रही है वो। बहुत सारा ऐसा होता है कि आरक्षण पे जो हम लोग ज्यादातर अभी डिबेट चल रहा है कि आरक्षण पर ऐसे वैसे, तो हम लोग के यहाँ आरक्षण नहीं है, तो कहीं ना कहीं छोटा देखते हैं कि छोटा देश है जापान, वहां पर 70-80 मेडल आ जाता है ओलंपिक में, 70-80 मेडल आ जाता है, हम लोग एक एक पैसे से जाते देखिए वाकई ये लोग जो आरक्षण आरक्षण ये करता है, तो इन लोगों को दिक्कत है, लोग बराबरी पर आ रहे हैं, हैं। क्योंकि ये जो देश है ये इसी देश के वासियों को यही के लोगों के द्वारा सताया गया, कुछ आर्यों के द्वारा सताया गया, कुछ यहाँ के निवासियों के द्वारा सताया गया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ने आरक्षण का प्रावधान किया, ताकि जो सदियों से जिनको सताया गया दबाया गया है, उनको पढ़ने का अधिकार, उनको अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार, उनको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया था, तो उनको जो है बराबरी पर लाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए, वो उनकी विकास के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो भाई दिक्कत इन्हें क्यों होना, क्यों होता है, इनको इस बात से समझ जाना चाहिए। देखिए आरक्षण क्या है, मैं समझा दूँ, क्लियर कर दूँ कि भाई आरक्षण क्यों दिया गया। सपोज दैट मान लीजिए एक घोड़ा जो है हर रोज दौड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, और रोज दौड़ रहा है, सालों से प्रैक्टिस किया उसने, सालों से प्रैक्टिस किया, तो और एक घोड़ा है जो उसको खूंटा से बांध कर रखा गया है, ना ही ग्राउंड में जाने दिया गया, ना ही उसको अच्छा खाना दिया गया, ना ही अच्छी उसको ट्रेनिंग दी गई, ना ही कोई प्रैक्टिस कराई गई, समझ रहे हैं। एक घोड़ा जो है वो लगातार अच्छा से खा रहा है, अच्छा से ट्रेनिंग ले रहा है, अच्छा से प्रैक्टिस कर रहा है प्रतिदिन, और एक घोड़ा जो है वो उसको बांध करके रखा गया, हर वो तमाम वो सुविधाएं उसको वंचित कर दिया गया है, जैसे उसको दौड़ने का प्रैक्टिस वगैरह जो भी है बांध करके रखा गया है। जो सोचिए जो सदियों से अब वो अगला कह रहा है कि चलो आओ, वो घोड़ा जो बांधा हुआ है सदियों से वो, और जो प्रैक्टिस में है, चलो आओ तुमको समानता का अधिकार देते हैं, चलो फील्ड में और दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, और जो जीतेगा वो विनर।
तो ये बताइए कि कौन जीतेगा? जीतेगा देखो, वही जो जो सदियों से प्रैक्टिस किया, जो आजादी में रहा, जो सदियों से खूंटे से बांध कर रखा गया है, जिसको हर चीज से वंचित रखा गया है, तो वो तो नहीं जीत पाएगा। लेकिन उसको समानता लाने के लिए, ये क्योंकि लोकतंत्र है ये देश, तो लोकतंत्र में सभी को समानता के अधिकार है, तो उसको बराबरी पर लाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? उस घोड़ा को तो कुछ प्रावधान देंगे ना, कुछ तो छूट देंगे ना, वही छूट है आरक्षण। अब इस चीज से लोगों को समझ जाना चाहिए कि आरक्षण क्यों है और कब तक होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ ऋषिराज जी थे और उन्होंने कहा कि जो हमारी टीम के लिए बहुत बेहतर खेली है, बशर्ते कि लगातार 10 मैच खेलने के बावजूद भी फाइनल में हार गई। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया में ऐसा दोष नहीं है, लेकिन जो इस पर राजनीति करते हैं कहीं ना कहीं उसमें मैंने साफ मुझे लगता है कि कैसे इंडिया टीम पर राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कह रहे हैं कि आरक्षण का जो मुद्दा उठ रहा है, आरक्षण से कुछ होने वाला नहीं है, प्रतिभा माने आरक्षण से जो है वो है, लेकिन टीम इंडिया में जो प्रतिभा का समस्या है, प्रतिभा के वजह से हमारी टीम आगे पहुंच पाई। यह हवन करते रहिएगा, जब तक आपके पास प्रतिभा नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़े नहीं सकते। तो आप लोग इस पर इनके बयान को लेकर क्या सोचते हैं क्या नहीं, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।